बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। आज मेरी मिट्टी मेरा देश जिला अधिकारी साहब की जानिब से और गवर्नमेंट जीआर के मुताबिक 9 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक नासिक जिला अधिकारी साहब की जानिब से जितने भी कार्यक्रम और प्रोग्राम दिए गए हैं, उन्हीं कार्यक्रम और उन्हीं प्रोग्रामों में एक प्रोग्राम हमारे मुजाहिदीन आज़ादी, हमारे वो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने में अपना योगदान दिया। और हर कोई जानता है कि हिंदुस्तान किसी एक
की मेहनत करने से या किसी एक के काम करने से आज़ाद नहीं हुआ। हिंदुस्तान में हर वो फ्रीडम फाइटर जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हमने आज तमाम ही लोगों की तस्वीरें इकट्ठा की और उन तस्वीरों को बच्चों के हाथ में दिया और बच्चों के हाथ में देकर शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर इंसराम मुदस्सी नज़र प्री प्राइमरी और शहदा उर्दू हाई स्कूल की जानिब से एक महा रैली निकाली गई। इस रैली का मकसद सिर्फ ये था कि अवाम में महाउत्सव और हमारे आने वाले 15 अगस्त को हमको किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, किस तरीके से खुशी के साथ मनाना है, उसकी खुशी के लिए और उसकी बेदारी के लिए हमने ये रैली निकाली। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो GR है, ज़िला अधिकारी साहब की जानिब से जो ऐलान किया गया है, उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए ये पूरी रैली मुनक़िद की गई। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि रैली अपने आप में कामयाब रही। और इस रैली में मैं बज़ादे खुद लियाकत शहदा एजुकेशन फाउंडेशन का सेक्रेटरी और आयशा नगर सेक्शन के पुलिस डिपार्टमेंट से आहिरे साहब और उनकी पूरी टीम और हमारे तमाम ही काबिल एहतराम और मेहनती असातिज़ा इस रैली में शामिल रहे। तुलबा और तलबात में 15 अगस्त को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुशी है, और क्यों ना हो, क्योंकि 15 अगस्त हमारा कौमी त्यौहार है और हमें दो कौमी त्यौहार मिले हैं। एक हम 15 अगस्त मनाते हैं, दूसरा हम हमारे जमहूरियत का दिन जिसे हम 26 जनवरी के नाम से जानते हैं वो मनाते हैं। आज के इस पूरी रैली में बच्चों ने अपने पूरे जोश के साथ नारेबाजी की है और आवाम से ये अपील की है, लोगों से ये अपील की है, अहले मोहल्ले से ये अपील की है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। हम वापस से ये चीज़ को दोहराएं और हमारे रोड, हमारे हर घर पर, कॉर्नर्स पर, दुकानों पर, घरों पर हम तिरंगा लगा कर हमारी उबुल वतनी का सबूत दें। हालांकि हमें हमारी उबुल वतनी देने का सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा अगर किसी का किरदार है, सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है, तो हमारे उलमाए कराम, वो मुजाहिदीन आज़ादी जिन्होंने हर जगह हिस्सा लिया। और किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि भई किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान जो है इसको आज़ादी दिलवाने में हर किसी का खून शामिल है, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, चाहे वो मोहम्मद अली जौहर साहब हो, चाहे वो टीपू सुल्तान साहब हो, या वो वल्लभ भाई पटेल की शक्ल में हो, चाहे वो शहीद भगत सिंह की शक्ल में हो, चाहे वो शहीद अब्दुल हमीद खान साहब की शक्ल में हो। तो इस तरीके से हिंदुस्तान को हर मज़हब के मानने वाले, हर मज़हब के लोगों ने मिल कर के अपना खून, अपना योगदान दिया है आज़ादी के लिए, और तब कहीं जाकर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और आज इस हिंदुस्तान आज़ाद में हम आज़ादी का जश्न मनाने वाले हैं कल बरोज़ 15 अगस्त को। मेरी मिट्टी मेरा देश, इस नारे को जो गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया, जो जिला अधिकारी साहब ने बहुत ही सख्ती के साथ इस नारे को हर घर तक पहुंचाने, आवाम तक पहुंचाने का जो जिम्मा दिया है अदारों को और दीगर तंजीमों को, मेरी मिट्टी मेरा देश, मैं इस मेरी मिट्टी मेरे देश पर यह कहना चाहूँगा शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से लियाकत शहदा के, बेशक मेरी मिट्टी मेरा देश ये हमारा मुल्क है।